हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन movieshala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बलबीर सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम केमिस्ट्री नीट 2018 का पहला क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। योर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस मिक्स किए हुए हैं। तो उसमें कुछ ऑप्शन है, यानी कि ABC दे रखे हैं। pH ऑफ द वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। देखो, pH 1 होने के लिए, यानी pH 1 यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। इसमें हमारे सारे HCl एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अगर 1 pH है, इसका मतलब है जो HCl एसिड है उसकी कंसंट्रेशन हम 1 मोलर लेंगे तो pH ऑलमोस्ट 0 आएगी। जो हमारा अगर 0.1 लेंगे, 0.1 मोल या 0.1 या हमारा इक्विवेलेंट टू हम कह सकते हैं 0.1 नॉर्मल HCl, इस नॉर्मलिटी का लें तो इसका जो pH निकल के आएगा वो हमारा 1 निकल के आएगा। तो pH स्केल की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। pH स्केल पर जैसे हमारा HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH पॉइंट वन कब होगा अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 आ जाए। तो इसकी कंसंट्रेशन आपको देखना है कि 0.1, तो हम सभी पर अप्लाई करके देखें तो ये हमारा सही फेयर डिसीजन नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा जिसमें HCl की कंसंट्रेशन मोस्टली ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आ जाए, मतलब मोस्ट हो, यानी कि मोस्ट ऑफ दी जो कंसंट्रेशन है ये न्यूट्रलाइज होने के बाद। जब जैसे HCl और NaOH है, HCl और NaOH आपस में ये एसिड है और ये बेस है। एसिड बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनाए तो इसकी तो न्यूट्रल का pH क्या होगा, मतलब दोनों का हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पानी की तरह से बेह पड़ेगा। लेकिन हमारा देखना पड़ेगा कि जैसे इसका 40 ml और इसका 60 ml, तो इसका मतलब है कि इसका भी H प्लस और इसके OH बने, तो 40 ml के बाद क्या बचेगा? 20 ml बचेगा, ठीक है। इसका 20 ml बचेगा, यानी 20 ml बचेगा इतना मोलिटी का। अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसमें 10 ml बचेगा, किसका? HCl का। अगर इसको देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 50 ml बचेगा, ठीक है, और इसको तो 100 ml पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसमें HCl का कंसंट्रेशन कुछ हायर अमाउंट में, हायर वॉल्यूम में मिल रहा हो। ऐसा करने पर आप उसका pH निकाल के देखोगे, यानी कि pH निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने निकाल के दिखाया कि जैसे ये बन कैसे आ गया, मैं ये भी बता देता हूँ कि HCl है, ये H प्लस आयन देगा और Cl आयन देगा, यानी इसका एक मोल H आयन देगा, और इसका अगर मैं 0.1 मोल लूँ तो वो भी हमारा 0.1 मोल देगा, ठीक है, 0.1। तो इसका मतलब है H आयन की कंसंट्रेशन कितना आ गया? 0.1 मोल, ठीक है। अब pH निकाल के देखिए pH कितना आएगा। pH क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयंस, यही होगा। तो इसमें क्या होगा? माइनस ये लॉग, और ये कितना होगा? 1 × 10⁻¹। अगर 1 का तो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? इसका pH यानी कि -1 पहले आएगा, log 10 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो यानी कि माइनस, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया? pH अपने आप में ही 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका अगर इतनी कंसंट्रेशन निकल के आ जाए तो। अब क्या करना है आपको, जैसे मैंने ऑप्शन निकालने का तरीका बताया कि जिसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HCl बच जाए वो हमारा ऑप्शन राइट है और वही सही निकलना चाहिए। इसके लिए आपको टैली करना है कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेट 0.1 मोल के आसपास आ जाए। तो देखो, इसको निकालने के लिए अब क्या करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ H आयंस को निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? M1 B1 ± M2 B2 / B1 + B2, इसका मॉडुलस लेंगे
और आप चाहो तो इसके एन फैक्टर से और मल्टीप्लाई कर सकते हो एन फैक्टर से, जिससे वो नॉर्मेलिटी में बदल जाए, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर एस सी एल एच प्लस देखो, इसका ओ एच एन देखा तो एन फैक्टर बन रहेगा, तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमारा इसमें अब वैल्यू रखो, इसका कितना है, यानी कि इसमें मोलरिटी है 75 ml एम वन पी वन, यानी कि 1/5 वॉल्यूम हमारा कितना है 75, 1/5 × 75 यानी इक्वल एच आयन्स की कंसंट्रेशन और ये 75। अब हमको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारा डिफरेंट बेस है, मतलब ये एसिड है ये बेस है, अगर दोनों एसिड एसिड या बेस बेस होते तो हमको क्या करना प्लस में लेते। तो अब इसका भी कंसंट्रेशन कितना है 1/5 है, ये 1/5 और ये वॉल्यूम कितना है 25 और अपॉन 75 + 25। तो अब इसको भी और सॉल्व करो तो क्या बचेगा, यानी कि इसमें सॉल्व करके देखते हैं तो इसमें क्या बचना चाहिए, ये 5 × 5 = 25, ठीक है जी। ये हमारा 15 बचेगा, ये 15 बचेगा और ये कितना बचेगा 5। तो अब ये 10/100 हो गया, अब 10/100 हो गया तो कितना आ गया 0.1 मोलर आ गया। तो अब एच आयन्स की कंसंट्रेशन जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके था 0.1 मोल आ गई, 0.1 मोल ऑफ एच आयन्स। अब इसका पीएच निकाल के देख रहे हैं तो पीएच हमारा क्या निकल गया, एच आयन्स की कंसंट्रेशन ने ये रखी 0.1 आयन्स को निकल गया है पीएच 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऑप्शन देखना है जिसकी कंसंट्रेशन वन आ रही हो, ठीक है, यानी कि सॉरी कंसंट्रेशन से हमारी पीएच 1 निकल के आ रही हो, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर लग रहा है। तो अब इसमें देखें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में क्या है, ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको समझ में आया होगा और पीएच मैंने निकाल दिए। इसको हम अगले पेज पर ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन के अंदर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। सी हम देखते हैं, सी है किस ऑप्शन में, डी ए बी सी, सी ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसको क्वेश्चन को देखने के लिए कि आप इतने सारे ऑप्शन हैं उसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पता लग जाना चाहिए कि इसमें जो हमारे इसको कुछ अमाउंट इसका 25 और इसका 25 अमाउंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो डोमिनेंट कौन होगा, HCl इसमें डोमिनेंट होगा। तो यहाँ से ऐसे भी पता लग रहा है अगर हम जनरल कॉमन सेंस के थ्रू देखें, और वैसे कैलकुलेशन हमारी मस्ट है कन्फर्म करने के लिए, लेकिन इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। आई थिंक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का समझ में आया होगा, थैंक यू।